अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं जी झटपट चिकन कटलेट्स आलू के साथ। एक बाउल में आपको आलू जो नज़र आ रहे हैं उनको मैंने हल्की सी हल्दी और नमक लगा के उबाल लिए। तकरीबन चार मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू हैं, इनको मैंने हल्दी और नमक लगा के थोड़ा सा उबाल लिया। ये मेरे पास चिकन है एक बाउल के करीब, इसको भी मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करके और श्रेडेड कर लिया। यहाँ पर मेरे पास एक चम्मच के करीब धनिया, हरी मिर्च है और पुदीना है, इनको मैंने चॉप कर लिया। मोजरेला चीज़ है जिनकी से इसके साथ हम फिलिंग करेंगे। मसाले में मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है जी आमचूर का पाउडर है, इसको मैंने क्वार्टर टीस्पून लिया है, ये वाला छोटा सा स्पून है। ये मेरे पास चिली फ्लेक्स है, इसको मैंने ये भर के एक चम्मच लिया है टीस्पून। चाट मसाला, ये भी एक टीस्पून है। काली मिर्चें हैं, ये हाफ़ टी स्पून है। मेरे पास ये भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। लाल मिर्च देगी जो है, जो कलर लाती हैं हल्का सा, ये वो क्वार्टर टी स्पून है। और ये सॉल्ट है, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। नमक मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि चिकन के अंदर और आलू को जब हमने बॉईल किया है तो ऑलरेडी हमने उसमें डाल चुके हैं। तो अभी सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ, अच्छे से मिक्स कर देंगे सब चीज़ों को इकट्ठा डाल के। आलूओं को फिर हम मैश कर लेंगे। धनिया पुदीना और हरी मिर्चें भी चली गई, और ये आप हमारे पास जो चिकन है ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। फिर आप इसको मैश कर लें, फोक के साथ भी कर सकते हैं, ग्लास की उल्टी साइड आप उससे भी कर सकते हैं, या आपके पास पोटैटो मैशर है आप उसके साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको मैश करके आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, हर चीज़ को अच्छी तरह से हम मैश कर चुके हैं। नमक मिर्च अगर आपको कम लगे, आप इस स्टेज पे चख भी सकते हैं कि अगर आपको कम लग रही तो आप इसमें मज़ीद डाल सकते हैं। तो चलें स्टार्ट कर रही हूँ मैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इतना मैंने, जितना आपने कबाब को रखना है, कटलेट्स को रखना है, आप उतना बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने, इस कटलेट के अंदर मैंने ये चीज़ डाली इस तरह से, ये देखें, और इसको मैं थोड़ा सा दबा दूँगी ताकि ये ऊपर ना उठे, और इसको यूँ प्रेस कर दूँगी। तो ये एक इस फॉर्म में बन जाएगा, गोला फॉर्म में बना के इसको अच्छे से, ये देखें, और इसको यूं प्रेस कर दूंगी मैं, ये देखें, ये बन गया हम लोगों का। आप इस शेप में अब इस तरह से अब सब टिकियां मैं बना लूँगी, ये देखें परफेक्ट बन गया है। तो चलें मैं टिकियां बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, कटलेट्स हम लोगों के बन के रेडी हो चुके हैं, ये देखें। अब इनको मैं करूँगी फ्राई। आप चाहे तो बेसन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इनको अंडे के साथ करूँगी। एक अंडा मैंने फेंट लिया, इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब थोड़ा ऑयल डाला है। इससे एक तो बरकत पड़ जाती है, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है अंडे की। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक कबाब को मैं लूँगी इस तरह से, चाहे तो आप हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो मज़ा हाथ से आता है ना वो इस तरह नहीं आएगा, ठीक है। तो चलें जी, इसको मैं अब उठा के इसके अंदर डाल देती हूँ। नॉन स्टिक पैन है तो ऑयल डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वन बाय वन करके हम इनको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, ये देखें, ठीक है जी। ये होगी हम लोगों की, आराम से उठाएं ताकि नीचे से शेप ख़राब ना हो, और इसमें डाल, फ़ौरन नहीं इसकी साइड हम पलटेंगे, तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसको उसकी साइड पलटेंगे ताकि ये सेट हो जाए पीछे से, इसकी जो बेस है वो ख़राब ना हो। ये देखिए, मैं पूरी टिकियाँ इस तरह मैं तल भी दूंगी फिर भी ये अंडा बच जाएगा, माशाल्लाह इतनी बरकत पड़ जाती है। आप ऑयल इसमें शामिल कर देंगे तो चले काफ़ी है इतनी, क्योंकि जब हमने, जब इनकी साइड चेंज करनी होती तो प्रॉब्लम होती है। तो अब हल्का सा हम इनको
फ्राई कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इनको हल्का हल्का हम फ्राई करेंगे। जैसे ही 5 मिनट होते हैं उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें कितना अच्छा फाइन कलर आ गया। अब मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ, यहाँ पेपर टॉवल पे डाल दें इस पर, और दूसरी भी ऑलमोस्ट डन हो गई है, वो भी मैं उठा दूँगी। ये देखें हल्का सा साइड पे करके रखे, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। इसको यहाँ डाल दूँगी। ये देखिए इसका भी बड़ा अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ गया, इसको भी मैं निकाल लूँगी। और बाकी टिक्कियों को भी मैं तल लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसको कैसे दिखाऊँ। जी व्यूअर्स, ये लास्ट वाला कबाब भी मैं तल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से 8 मैं बना चुकी हूँ, फिर भी देखिए अंडा बच गया, इतनी बरकत पड़ जाती है आप ऑयल डाल लेते। मज़ीद भी टिक्कियाँ हम इसमें से बना सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए ऑलमोस्ट हम लोगों की सारी हो गई हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, इसका भी कलर अच्छा आ गया। ये देखिए वाह जी व्यूअर्स, कबाब हम लोगों के तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने परफेक्ट मज़े के बने हैं, सॉफ्ट एंड स्पाइसी। आप इसको इस ग्रीन चटनी के साथ इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। ये कबाब जो है आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पुलाव वगैरह के साथ भी, चिकन पुलाव है, मटर पुलाव है, उसके साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। दूसरी तरह भी आप इनको बर्गर्स के अंदर भी लगा के टिक्कियों की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी मैं आपको मेथड दिखाती हूँ कि वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने ये देखें बर्गर ले लिए। अब इनके इसके अंदर मैं यहाँ पर ग्रीन चटनी लगाऊँगी, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूँगी। इसके अंदर हम अपना एक ये कबाब रखेंगे इस तरह से, और ये थोड़ा सा मेरे पास ऑमलेट बचे हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि अंडा बच गया, उसको मैंने इस फॉर्म में कर दिया। ये डालेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर मेरे पास है जी चिली सॉस, ये भी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। मायनीज़ इसको थोड़ा सा मैं स्प्रेड कर दूँगी, और इसको इस तरह से एक बर्गर फॉर्म में भी बन जाएगा परफेक्ट सा। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त सा, इसको गरम खाएं। जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।